हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ पनीर एकदम रेस्टोरेंट वाला। और अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो इसको एक लाइक कर देना। मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर सुहाना का पनीर माखन वाला मिक्स मसाला लिया है और यहाँ पर मैं इसके अंदर में कुछ और भी मसाले ऐड करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पर मैंने मसाले के अंदर में 50 ग्राम के जितना मिल्क डाल दिया है। मिल्क डालने के बाद में हमें इसका एक घोल बना लेना है, इस तरीके का पतला वाला, तो इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा घोल रेडी हो गया है, इसको अभी हम साइड पे रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल डाला है और साथ में मैंने प्याज और टमाटर लहसुन डाल दिया है और मैंने एक हरी मिर्ची डाली है। और ये सबको हमें 2-3 मिनट के लिए ही इस तरीके से सेक लेना है और ये जब सीख जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे करी पत्ता। मैंने यहाँ पे 10 से 15 करी पत्ता डाला है और थोड़ा धनिया डाल दिया है। और धनिया और करी पत्ता डालने से जो सब्जी रहती है उसका फ्लेवर एकदम बहुत ही अच्छा आता है। मसाला हमारा सीख गया है तो इसको अभी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और इसको हमें ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद में हम इसका ग्रेवी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मिक्सर का जार लिया है, इसके अंदर में इसको डाल देंगे और इसको हमें एक ग्रेवी बना लेंगे। इसके अंदर हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है और कढ़ाई के अंदर में हमें एक चम्मच ऑयल डालना है और यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर सबको डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर में जिंजर पाउडर डाला है, जो सूखा अदरक का पाउडर आता है वो डाल दिया। और डालने के बाद में हमें सबको 30 सेकंड के लिए इस तरीके से चला लेना है। और जो हमने ग्रेवी बनाई थी, एक ग्रेवी को हम इसके अंदर में ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को हमें एकदम नॉर्मल ही रखना है, हल्की रखनी है। तो ग्रेवी हमारी सीख गई है। और अभी जो हमारा मिक्सर का जार था उसके अंदर थोड़ा पानी डाला और इसके अंदर में डाल दिया। बाद में हम थोड़ा सा इसको थोड़ा और मिला देंगे। जब ये हमारी ग्रेवी बनती है तो इसके अंदर में जो हमने सुहाना का पैकेट वाला जो मिश्रण था मसाला, उसकी ग्रेवी बनाई थी, ये भी हम इसके अंदर में ऐड कर देंगे। और ये सबको हमें अच्छे से चला लेना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा, ये देखो इस तरीके से पक गया, तो इसके अंदर हम नमक डालेंगे। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। तो नमक डालने के बाद में हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और ऊपर से हमारा जो फ्राई किया हुआ पनीर था, पनीर को डाल देंगे। और पनीर डालने के बाद में हमें इसको इस तरीके से चला लेना है और इसको हमें धीरे धीरे करके इस तरीके से चलाना है और इसको ढककर हम 3-4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसका एक अच्छा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए 3-4 मिनट बाद में मसालों ने तेल छोड़ दिया है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। और मेरे यहाँ जब कुछ सब्जी बनती है तो जो हमारी दादी माँ है उनको सबसे पहले चाहिए, तो मैं जैसे ही बनता है तो सबसे पहले मैं हमारी दादी को दे देती हूँ, बाद में मैं सब्जी को सर्विंग प्लेट के अंदर में निकालती हूँ। चलो तो मैं सबसे पहले दादी माँ को खाना दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी आपके घर में ऐसा होता है? अगर होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हम सब्जी को सर्विंग बाउल के अंदर में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से बनाई। कम से कम ये सब्जी आपको 5-6 व्यक्ति के लिए बनेगी। ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया है। धनिया डालने के बाद में सब्जी एकदम और भी अच्छी लग रही है और इसकी खुशबू तो एकदम लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे तरीके से ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, फिर मुझे कमेंट करके बताना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स या फैमिली में शेयर भी कर देना। आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इतना टेस्टी खाना खाने के लिए मिले और क्या पता आप कभी उनके घर पर जाओ तो वो लोग आपको ही इतनी अच्छी डिश बना के खिलाए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी तो आप सबको थैंक यू। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खाओ पियो, इंजॉय करो।